हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज वी आर गोना टॉक अबाउट टू आर्टिकल्स। देखो आज 26 ऑफ जून है और आज ही के दिन 1975 में एमरजेंसी लगी थी, तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो एमरजेंसी से रिलेटेड आज आए हैं। वी आर गोना डिस्कस टू ऑफ इट, वन ऑफ इट मोस्ट प्रिसाइजली। एंड यहाँ पे केरला इनइक्वालिटी के बारे में है, तो हाउ डाउरी डेट्स एंड ऑल दैट। कि आप सबने देखा होगा केरला का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा हाई रहा है, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या कुछ भी हो, नीति आयोग की रैंकिंग हो, सब में आगे रहा है। बट अभी फीमेल लिटरेसी केरला में भी हाईएस्ट रही है 95% से ज़्यादा, और सेक्स रेशियो भी सारे स्टेट से ज़्यादा अच्छा है। कुडुमश्री एक वुमेन कलेक्टिव है जो कि इंटरनेशनल अटेंशन भी यहाँ पे ले चुका है, तो केरला हैज़ बीन एट टॉप। बट यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, चाहे आशा हो चाहे आंगनवाड़ी, सब कुछ एट टॉप पे रहा है। कि डाउरी डेट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं और जेंडर बेस्ड वायलेंस को अनएड्रेस किया जा रहा है, जबकि केरला जैसा स्टेट हर पैरामीटर्स में ऊपर रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, विद द फ्लो ऑफ रेमिटेंस इनकम एंड एक्सपेंशन ऑफ मिडिल क्लास, जैसे जैसे रेमिटेंस में मिडिल क्लास हो रही, गर्ल्स एंड वुमेंस पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा रीडिफाइंड होता है। आप इसे एज अ केरला नहीं, एज अ जनरल पर्सपेक्टिव भी एक पॉइंट की तरह ले सकते हैं। गर्ल्स को अलाउड तो है उनका एजुकेशन परस्यू करना, पर मैरिजेस पर्सपेक्टिव अभी भी उनकी इकोनॉमिक फ्रीडम के आगे लेते हैं। जो डिमांड है टीचर्स की मैरिज मार्केट में, कि लड़की टीचर होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा वुमेन की इकोनॉमिक चॉइसेस को रोक देता है। और विड्रॉल फ्रॉम एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आफ्टर मैरिज आर जस्ट इंडिकेशन ऑफ सोशल फैब्रिक, कि आपको करना ही ये चीज़। तो अब ऑथर ने कहा यहाँ पर पूरे क्या कहते हैं स्टैट्स दिए हुए हैं, वो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। कि एक इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, कि गर्ल्स को स्टैंड लेना पड़ेगा अगेंस्ट डाउरी एंड मैरिज सिस्टम एज वेल एज अ क्वेश्चन वुमेन सबॉर्डिनेट एट लार्ज। जैसे कि अभी आपने एक देखी होगी, एक स्कीम बीच में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रही थी जिसमें वुमेन्स को पे करा जाएगा फॉर देयर हाउस वर्क। तो उससे क्या होता है कि उससे ये हो रहा था कि वुमेन को जनरलाइज कर दी जा रही, काम वुमेन्स ही करेंगे तो ही हम लोग वुमेन को पे कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ होती है एज वेल एज। हाँ ये ठीक है, एक करिकुलम जो है ना उसे रीलुक करने की ज़रूरत है, और एक फोरम भी बनाना चाहिए जिसमें अभी ये भी इश्यूज लेने पड़ेंगे कि अगर आप हर रेशियो में आ गए हैं फिर भी जेंडर इक्वलिटी, तो क्या कमी रहेगी और क्या नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है अभी के टाइम और इमरजेंसी का टाइम, तो मोस्टली व्हाट आर द ड्रॉबैक्स जो अभी के में हैं आप लिख सकते हैं, कि किस तरह डेमोक्रेसी हैज़ बीन अफेक्टेड, वो यहाँ दिखाया गया है। पॉइंट्स अच्छे हैं। पहली बात तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा मोस्ट विजिबल दिखाया जा रहा है, कि आप कैजुअलिटी में जा रहे हैं, ठीक है। पार्लियामेंट को बिल्कुल कंटेम्प्ट की तरह देखा जा रहा है, प्रिसाइडिंग्स हो नहीं रही है। अभी आपने बीच में ये भी सुना होगा कि जो वर्किंग डेज है पार्लियामेंट के बहुत ज़्यादा वर्चुअली भी नहीं, स्टैंडिंग कमेटी को तो दे ही नहीं रहे हैं ये लोग। कितने ज़्यादा ऑर्डर्स की तरह पास हो रहे हैं, ठीक है, बिल्स मनी बिल बना के पास किए जा रहे हैं और स्टैंडिंग कमेटी को रिफ़र नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इट हैज़ बिकेम अ न्यू नॉर्मल, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन इमोरलिटी चल रही है, ठीक है। आगे ये बताया गया है कि जो क्वेश्चन जैसे हर चीज़ को एंटी नेशनल लिया जा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म नहीं लिया जा रहा है इस वक्त, ठीक है। और पार्लियामेंट को इवन हैज़ बीन नॉट परमिटेड टू डिबेट द ईयर लॉन्ग चाइनीज एग्रेशन, इस पर भी बात। यूएपीए को कुछ पावर्स मिल गई हैं, एनआईए को मिल गई हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसके फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिलेटेड अभी ये था कि इंस्टीट्यूशन इतने ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते और उनको अपना एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्सपेंस 20% से ज़्यादा नहीं करना है, ये सब चीज़ें। तो पावर को बहुत ज़्यादा सबड्यू कर दिया गया है, टेररिस्ट को इंडिविजुअल घोषित कर दिया गया जबकि उनका ट्रायल भी नहीं हुआ है तब तक भी। तो ऑथर ने यही चीज़ कही है कि जो अभी जो हो रहा है, तो NIA किसी भी चीज़ को लेबल कर सकती है टेररिज्म। पोस्ट अमेंडमेंट ऑफ NIA एक्ट देयर अ लेजिटिमेट अप्रिहेंशन ऑफ इंक्रीजिंग प्रोपेंसिटी ऑफ मिसयूज, जो कि यहाँ हो रहा है। द लाइन बिटवीन राइट टू डिसेंट एंड सिडिशन हैज़ बीन रेथलेसली ब्लर्ड, ये ऑब्वियसली ये कोर्ट केस में अभी बोला भी गया था, ये देखो यहाँ पे बोला अभी अभी जजमेंट आया था उसमें बोला गया था, वी आर कंस्ट्रेन टू एक्सप्रेस दैट इट सीन दैट इन द एंग्जाइटी टू सप्रेस डिसेंट इन द माइंड ऑफ द स्टेट लाइन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट टू प्रोटेस्ट एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज सीम्स टू बी गेटिंग समवॉट ब्लर्ड, इफ द माइंड इज गेट ट्रैक्शन इट वुड बी अ सैड डे फॉर डेमोक्रेसी। आई थिंक मैंने ये कंक्लूजन आपको कुछ दिन पहले भी बोला था। अभी क्या चल रहा है, आप ये वर्ड लिख सकते हैं कि ऑरवेलियन स्टेट का भी फॉर्म डेमोक्रेसी किस चीज़ से अफेक्ट हो सकती है, और वेलियन स्टेट पे भी। यहाँ क्या होगा कि सबको एक सेंसर अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि इतना ओपिनियन नहीं देना है, कोई ऑनेस्ट ओपिनियन, कोई ऐसा नहीं बोलना है जो क्रॉस कर दे लाइन वाली बात है, ठीक है। तो क्या है,
एक्शंस ले वरना उसके अगेंस्ट एक्शन होंगे, चाहे स्पाइन चिलिंग हो चाहे रिप्रेसिव लीगल पेनोपली हो। तो ये है कि इज इट, ऑथर का क्वेश्चन लास्ट में क्या है कि इज इट नॉट एन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, व्हाट इज यू वुड कॉल इट। आई थिंक दिस वाज अ गुड आर्टिकल। ऑल दी प्रॉब्लम्स इन अ डेमोक्रेसी, नॉट इन इंडिया, इन जनरल, यू कैन राइट इट डाउन। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई थिंक वी हैड अ गुड डिस्कशन। आई विल शो यू ऑल द आर्टिकल्स, इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी में हुआ था, यहाँ पे कांग्रेस की बुराई, और यहाँ पे वैक्सीनेशन को जो कंपलसरी कर दिया गया नहीं करना है, सेंट्रल जे के लीडर से बात हो रही है, अभी भी राउंड राउंड बात ही हो रही है। अभी जब तक सब्सटेंशियल कुछ निकलेगा नहीं, हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड